जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यार मार्केट में अगर आप 5 से लेके 20 हज़ार के अंदर कोई गेमिंग फ़ोन ख़रीदने के लिए जाएंगे, मतलब 5, 6, 7, 10, 15, 20 के अंदर, तो गाइस ज़्यादातर फ़ोन आपको चाइनीज़ ही देखने को मिलेगा इंडिया पे। एक होगा रेडमी का, या फिर रियलमी का, या फिर पोको का, या फिर आपको ओप्पो वीवो का, या फिर दूसरा कोई चाइनीज़ ब्रांड का ही ज़्यादातर फ़ोन आपको जो है मार्केट में मिलेगा। बट इस जगह पे इंडिया का कंपनी माइक्रोमैक्स ने 2 स्मार्टफोन को लॉन्च किया, माइक्रोमैक्स इन नोट 1 और माइक्रोमैक्स इन 1B। काफ़ी अच्छा प्रोसेसर, काफ़ी अच्छा फीचर्स के साथ लॉन्च किया, गेमिंग स्मार्टफोन है और काफ़ी अच्छा टक्कर दे रहा है चाइनीज़ मोबाइल को। तो इस जगह पे चाइनीज़ ब्रांड को टक्कर देने के लिए और एक मेड इन इंडियन कंपनी लाभा जो कि इंडिया पे फ़ोन लॉन्च करने जा रहा है, वो भी गेमिंग फ़ोन और कम प्राइस में आपको मिलेगा। और इस बार लाभा जो है काफ़ी ज़बरदस्त कम बैक कर रहा है और लॉन्च डेट भी ऑफिशियली कन्फर्म भी हो चुका है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये फ़ोन आपको कब देखने को मिलेगा, कहां पर देखने को मिलेगा, क्या क्या फीचर्स का देखने को मिलेगा और प्राइस क्या होगा, लुक और डिज़ाइन कैसा होने वाला है। तो गाइस अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं लाभा का गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में, तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करिए और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों 2020 में जो भी फ़ोन इंडिया पे लॉन्च हुआ, ज़्यादातर फ़ोन में यही फोकस किया गया कि गेमिंग प्रोसेसर है या फिर नहीं है। अगर गेमिंग प्रोसेसर है तो मोबाइल काफ़ी अच्छा मार्केट किया, अगर मोबाइल में गेमिंग प्रोसेसर नहीं है तो मोबाइल मार्केट नहीं कर पाया, उसको कोई ख़रीदा भी नहीं। मतलब गेमिंग प्रोसेसर होना अब बहुत कॉमन बात हो चुका है और इस जगह पर लाभा जो है इसीलिए कमबैक कर रहा है गेमिंग प्रोसेसर के साथ और सस्ते में गेमिंग फीचर्स जो है प्रोवाइड करता है मीडियाटेक। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर थोड़ा सा महंगा होता है बट मीडियाटेक का जी सीरीज जब से आया वो सस्ते में गेमिंग फीचर्स प्रोवाइड किया और माइक्रोमैक्स ने वही किया। माइक्रोमैक्स इन नोट 1 और माइक्रोमैक्स इन 1B में आपको मीडियाटेक का जी सीरीज का ही प्रोसेसर देखने को मिला क्योंकि सस्ते में गेमिंग फीचर्स आपको मिल जाता है। तो इस जगह पे लाभा भी सेम करने जा रहा है। लाभा जो फ़ोन इंडिया पे लॉन्च करने जा रहा है इसमें आपको गेमिंग फीचर्स ही देखने को मिलेगा। गेमिंग फीचर्स मतलब मीडियाटेक का गेमिंग प्रोसेसर, मीडियाटेक का जी सीरीज का प्रोसेसर और लाभा की तरफ से एक फ़ोन नहीं आएगा, 2 या फिर 3 स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसका लॉन्च डेट ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है। लाभा ने पहला ट्वीट किया था 23 दिसंबर को, आप देख सकते हैं, जहां पर लिखा था द गेम इज अबाउट टू चेंज और नीचे एक हैशटैग भी लगाया था अब दुनिया देखेगी स्टे ट्यून। तो गाइस ये पोस्ट करके हम लोगों को बताया था कि लाभा अब जो है 2 या फिर 3 स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च कर रहा है गेमिंग फ़ोन। और उसके बाद 26 दिसंबर को लाभा ने फिर से एक ट्वीट किया जहां पर आप देख सकते हैं ये ट्वीट है और उसके बाद आज लाभा की तरफ से एक ऑफिशियल ट्वीट आ गया है जो कि आप देख सकते हैं सेव द डेट, मतलब 7 जनवरी लिखा गया है। 7 जनवरी को जो है लाभा की तरफ से ये 2 या फिर 3 स्मार्टफोन आपको इंडिया पे लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगा और फोन आपको चांद से ज़्यादातर फ्लिपकार्ट में ही देखने को मिलेगा। बट दोस्तों फोन का लुक और डिज़ाइन कैसा होने वाला है, देखिए दोस्तों जो ट्वीट किया है उसमें अगर आप गौर से ध्यान देंगे तो देखने को मिलेगा आपको वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले। मतलब लाभा की तरफ से जो फोन 7 दिसंबर को लॉन्च होगा उसमें आपको फ्रंट में वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलेगा और बैक पैनल में आप देख सकते हैं लाभा का ब्रांडिंग आपको देखने को मिल रहा है। बट फोन थोड़ा सा स्लिम होने वाला है और जो लुक और डिज़ाइन है वो तो हम लोग लॉन्च के बाद ही बता सकते हैं। बाकी इसका प्राइस कितना होने वाला है, देखिए ये कंफर्म है कि 5000 से लेके स्टार्ट करके 20000 के अंदर, मतलब 5 से लेके 20000 के अंदर आपको 2 या फिर 3 स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। अब कंफर्म प्राइस तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। इसके अलावा भी गाइस अगर बात करें डिस्प्ले का तो मेरे हिसाब से आपको HD+ रेजोल्यूशन वाला ही डिस्प्ले मिलेगा अगर 10000 के अंदर लॉन्च होता है तो, और 10000 के ऊपर जो जाएगा उसमें शायद आपको FHD+ डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। और 10000 के ऊपर में जो भी फ़ोन आएगा वो मीडियाटेक का G80 या फिर G85 का चिपसेट के साथ आपको देखने को मिल सकता है। और मुझे नहीं लगता स्टॉक एंड्रॉयड दे पाएगा, माइक्रोमैक्स ने स्टॉक एंड्रॉयड दिया था और इसमें भी अगर स्टॉक एंड्रॉयड दे देता है तो गाइस काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। बट 7 जनवरी हम लोग बता पाएंगे कि ऑफिशियली क्या क्या फीचर्स मोबाइल में दिया गया है और प्राइस कितना होगा, सब कुछ डिटेल्स में बता पाएंगे 7 जनवरी को। तो गाइस वेट करिए, 7 जनवरी को फ़ोन लॉन्च हो रहा है तब डिटेल्स में वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। और अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाजू में बेल का घंटा उसको भी दबाइए। और आपका क्या ओपिनियन है लाभा का ये नया फ़ोन के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय।